फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम पोहा। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 कप पोहा लिया है, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई गाजर, मटर, कटी हुई शिमला मिर्च, 1 प्याज कटी हुई, कटा हुआ हरा धनिया, 1 टमाटर कटा हुआ और यहाँ पर मैंने ये 1 नींबू और 2 चम्मच चीनी का पानी डालकर थोड़ा सा घोल बना लिया है, जिसको हम पोहे पर डालेंगे। ये मैंने मूंगफली ली हुई है, ये मैंने फ्राई कर ली है ऑयल में थोड़ी सी। ये पोहा मसाला ये मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ। 2 कप पोहा इसमें डालूंगी। इसको हम हल्का ही वॉश करेंगे ताकि स्टीम लगे तो ये पूरा गल ना जाए, बिल्कुल थोड़ा सा वॉश करेंगे। अब मैंने ये हल्का सा वॉश कर लिया है। अब हम इसमें चीनी और नींबू का जो घोल बनाकर तैयार किया था हम इसमें ऊपर से डालेंगे। घोल को पोहे में डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, पोहा मसाला, सौंफ। अब सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे और हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे एक एक करके। कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं, कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, मटर डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है जिसमें ये हमारा बर्तन अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से स्टीम इसमें पास हो सके। इसमें मैंने 1/2 कप पानी लिया है, हमको बस स्टीम बनानी है। अब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें स्टीम बनने लगी है। अब हम अपना इस बर्तन को इसमें सेट कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको ढक देते हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा पोहा बनके तैयार हो चुका है। सब्जियां भी अच्छे से गल गई हैं क्योंकि मैंने ये पहले से ही बॉइल करके इसमें डाली हुई थी, बस हल्की सी स्टीम लगानी थी। और हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप इसमें सर्व करते टाइम ऊपर से सेब भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा पोहा तैयार हो चुका है, आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अगर आपको मेरा स्टीम पोहा पसंद आया हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।